तो दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसा महसूस किए थे Redmi K20 के प्राइसिंग के बाद, हमें कमेंट करके जरूर बतलाना। तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग को जोर का झटका ऐसे लगने वाला है। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। ये है उदासी जान की प्यासी, जग से अच्छा तुम। क्योंकि दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है Redmi Note 8 Pro 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। बहुत हार्ड। और आपको पता ही है कि Redmi Note सीरीज एक मिड रेंज सीरीज है जो कि 14 से 16 हजार के बीच में आती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका प्राइसिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जाके बोल उसको। उसका काला। तो दोस्तों, Realme को यहाँ पर बहुत ही जोर का झटका लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों Redmi का Note सीरीज जो कि सबसे शानदार सीरीज होता है Redmi का, वो आने वाला है बहुत ही जल्द। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। और आपको दोस्तों Redmi Note 8 Pro देखने को मिलने वाला है 2 से 3 महीने के भीतर। सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो दोस्तों, यहाँ पर इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला है उसकी प्राइसिंग होने वाली है 14 से 16 हजार रुपए के बीच में। और दोस्तों, 14 से 16 हजार रुपए के बीच में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है तो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक 6.39 इंच की एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और साथ ही में दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है रियलमी एक्स के जैसे ही, जो कि होने वाला 32 मेगापिक्सल का। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक साइड की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है ग्लास बैक का सपोर्ट, और इसका डिजाइन में भी हो सकता है कि Redmi के K20 की तरह ही देखने को मिल सके। सेम टू सेम शायद देखने को ना मिले, बट आपको Redmi के K20 से मिलता जुलता एक बहुत ही अच्छा डिजाइन देखने को मिल सकता है। बात करें इस स्मार्टफोन की बैक साइड की कैमरे मॉड्यूल की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जिसे Redmi ने अभी कुछ पैटर्न को लीक किया है, जिससे कि पता चलता है कि आपको यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है इसके अपकमिंग स्मार्टफोन में, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल के सोनी के GM1 का सेंसर जो कि ट्रू 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के सेकंड कैमरे की। तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। अब आते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के बेस्ट फीचर्स की, जो कि है इसका प्रोसेसर। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर, जैसा कि Redmi के K20 में हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो दोस्तों, बहुत दिनों से हमें Redmi की तरफ से 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, मे बी पॉसिबल है कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकता है 5000 mAh की बैटरी। साथ ही में दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा USB टाइप सी का सपोर्ट, और उसके साथ ही दोस्तों 3.5 mm ऑडियो जैक। आप बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रिलीज डेट की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 5 Pro के बाद विद इन 6 मंथ के अंदर Redmi Note 6 Pro को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था, और उसके 5 से 6 महीने के बाद Redmi Note 7 Pro को भी इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द यानी 2 से 3 महीने के भीतर आपको दिवाली से पहले ही Redmi Note 8 Pro भी देखने को मिलने वाला है, जिसे Redmi ने अभी से टीज करना स्टार्ट कर दिया है। और इस स्मार्टफोन से सबसे बड़ा झटका लगने वाला है Realme Vivo के स्मार्टफोन को। तो दोस्तों, आप भी एक MI के फैन है और MI के स्मार्टफोन को परचेस करते हैं, आपको MI का फोन पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करके बताएं इस स्मार्टफोन के बारे में कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल एंड आई हैव अ ग्रेट डे। ये क्या किया भैया? तो बच्चों, जिसको भी आप अपने पूरे दिल से मानते हैं उसका नाम लेकर पेपर स्टार्ट करें। जय बच्चों! जय बच्चों! जय बच्चों! जय बच्चों! मिलन मिलन चिकन मिलन चिकन मिलन चिकन मिलन। आई गॉट सप्लाई।